हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम करेंगे ओबिचुअरी। ओबिचुअरी का मतलब क्या होता है? जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी बड़ा अचीवर है या नेता है या सिंगर है या कोई भी अचीवर हो, जब वो दुनिया छोड़ के जाता है तो उस पर से उसके जीवन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको कोई सिंगर दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, या आपको कोई नेता दे देंगे, पूछेंगे ये कौन सी पार्टी के थे या कौन से राज्य के गवर्नर थे या मुख्यमंत्री थे, या कोई एक नाम देके पूछेंगे इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था। इस पे आप दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर में, और पिछले तीन महीने के सबसे इंपॉर्टेंट ओबिचुअरी जो है मैं कवर करूंगा, जो एग्जाम में श्योर शॉट आ सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। StudyIQ के हमारे पेनड्राइव कोर्स उपलब्ध हैं विभिन्न एग्जाम्स के लिए, जैसे RBI ग्रेड बी, UPSC, NABARD, JEE, SSC, बैंक PO, रेलवेज इत्यादि। अगर आप कोई भी हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyiq.com। सबसे पहले बात करते हैं काजी सत्तर की। ये एक बहुत बड़े उर्दू के लेखक थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व हेड थे। उनके उर्दू डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। इन्हें पद्मश्री मिला हुआ था और गालिब अकेडमी अवार्ड के ये पहले रेसिपिएंट थे। तो याद रखना है आपको, काजी अब्दुल सत्तर ये उर्दू लेखक थे। पंकज बंदोपाध्याय, ये जब तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनी थी, ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाई थी तृणमूल कांग्रेस, जो आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में रूलिंग पार्टी है, तो उनके बहुत बड़े नेता थे पंकज बंदोपाध्याय। तो सवाल ये आ सकता है, पंकज बंदोपाध्याय जो हैं, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था? तो चार ऑप्शन दे देंगे, पत्रकारिता, राजनीति, खेलकूद, इस तरह से, या फिर सीधा पूछ लेंगे कौन सी पार्टी से थे। तो आंसर है तृणमूल कांग्रेस। नामुत्तुस्वामी जो है एक थिएटर ग्रुप जिसको बोलते थे कोथू पी पतरई, उसके फाउंडर थे, यानी थिएटर आर्टिस्ट थे, और इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था 1999 में और पद्मश्री मिला था 2012 में। ओसामू शिमू हारा, सुपर इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नोबेल प्राइज मिला था इन्हें केमिस्ट्री में। सो ये नोबेल प्राइज जीत चुके थे केमिस्ट्री में, और ये जापान के वैज्ञानिक थे, और इन्हें केमिस्ट्री में मिला था, ये भी याद रखना है आपको, ओसामू शिमू हारा। नारायण दत्त तिवारी जो हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री थे। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री रहे हैं। पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दो लोगों ने मिलकर शुरू करी थी। एक तो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, जिनको बोलते हैं बिल गेट्स, जेफ बेजोस के बाद दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ही हैं, और दूसरे हैं पॉल एलन। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो शुरू की थी, दो लोगों ने मिलकर शुरू करी थी, बिल गेट्स और पॉल एलन। सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। GD अग्रवाल बहुत बड़े प्रोफेसर थे ये, और IIT में पढ़ाते थे। ये बेसिकली गंगा की सफाई के लिए इन्होंने सरकार से कई बार गुहार लगाई, और 111 दिन इन्होंने भूख हड़ताल करी और फिर इनकी डेथ हो गई। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये कौन थे, और दूसरा 111 दिन इन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी थी, फास्ट रखा था। तो ये पूछ सकते हैं कितने दिन उपवास रखा था, 111 दिन। चलिए कमेंट्स में लिख के बताइए, GD अग्रवाल जी कौन से IIT में पढ़ाते थे भारत के। अन्नपूर्णा देवी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी भारत की शास्त्रीय संगीतकार, क्लासिकल सिंगर, इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ था, और ये कहां से थी ये पूछ सकते हैं, तो ये थी मध्य प्रदेश से। किशोर गिरी कौन सी भाषा में गाते थे, ये सवाल आ सकता है। ये असमीज भाषा में गाते थे, असम के ये सिंगर थे और ये म्यूजिक डायरेक्टर भी थे असम के। फिर ये पूछ सकते हैं, MN पलूर का निधन हो गया, ये कौन सी भाषा के कवि थे? ये केरल की जो भाषा है मलयालम, उसके कवि थे। साहित्य अकेडमी पुरस्कार केरल के द्वारा इन्हें दिया गया था, आसान प्राइज भी ये जीत चुके थे। मशहूर सिंगर नितिन बाली, ये रिमिक्स सॉन्ग गाने के लिए फेमस थे और इनका भी निधन हो गया, नितिन बाली। प्रदीप चौधरी, ये एक पत्रकार थे और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ये न्यूज एडिटर रह चुके थे, प्रदीप चौधरी। गीता उपलेकर जो है, बेसिकली गीता उपलेकर के जो फादर हैं, सवाल को ध्यान से सुनो, ये जो फोटो में आप देख रहे हो ये गीता उपलेकर है, लेकिन ये इनकी पेंटिंग है जो इनके फादर ने बनाई थी, SL हल्डांकर ने, और ये पेंटिंग बहुत पॉपुलर है। इस पेंटिंग को बोलते हैं ग्लो ऑफ होप। इसमें जो भारत के मशहूर पेंटर SL हल्दांकर, उन्होंने अपनी ही बेटी का चित्रण किया था, जिनका नाम है गीता उपालेकर। तो इनको बोला जाता था वुमेन विद द लैम्प, क्योंकि इस फोटो में जो लैम्प लेकर, जो ये मोमबत्ती लेकर खड़ी हैं, ये गीता उपालेकर ही हैं।
विल विंटन जो है ये ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हुए एनिमेटर थे, कार्टूनिस्ट थे, और कई सारे जो काल्पनिक पात्र हैं वो इन्होंने बनाए थे। ये कहां से थे ये पूछ सकते हैं, तो ये अमेरिका से थे। तंपी कन्नानतरम ये एक मलयाली फिल्मों के फेमस डायरेक्टर थे। MVVS मूर्ति ये पूछ सकते हैं ये कौन सी पार्टी के नेता थे, तो ये तेलुगु देशम पार्टी जो है उसके नेता थे। इनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, अमेरिका में थे जब इनकी डेथ हुई थी। कृष्णा कपूर तो बेसिकली जो राज कपूर थे ये उनकी पत्नी थी कृष्णा कपूर, तो इनकी भी डेथ हो गई, ये आपको याद रखना है। मालती शर्मा जो है ये उत्तर प्रदेश की एक पूर्व मंत्री थी, बीजेपी की थी। तो दो चीजें याद रखनी है, कौन से राज्य में मंत्री थी उत्तर प्रदेश, और कौन सी पार्टी की थी, ये भारतीय जनता पार्टी की थी। पंडित तुलसीदास बोरकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे पंडित तुलसीदास बोरकर का निधन हो गया। ये क्वेश्चन इनफैक्ट एक एग्जाम में भी आया भी था, मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि पंडित तुलसीदास बोरकर का निधन हो गया ये क्या बजाते थे, तो ये हारमोनियम था इनका वाद्य यंत्र, और इनका जन्म हुआ था गोवा में, इन्हें पद्मश्री मिला था 2016 में। गुजरात के पूर्व वित्त मंत्री मनोहर सिंह जडेजा इनका निधन हो गया, ये वहां राजकोट के एक राज परिवार से थे, इन्हें 5 बार विधायक थे, तो याद रखिए गुजरात के वित्त मंत्री पूर्व मनोहर सिंह जडेजा का निधन हो गया। स्टीफन हिलनबर्ग एक आपने कार्टून देखा होगा ये वाला, इसको बोलते हैं स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स, वो इन्होंने बनाया था। तो इनको स्टैनली से कंफ्यूज मत करना, जो एक्स मैन, स्पाइडर मैन और ये आयरन मैन और ये सब बनाए थे स्टैनली ने, लेकिन जो स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट है इसे बनाया था स्टीफन हिलनबर्ग ने, और ये भी अमेरिका से थे। MH अंबरीश ये कर्नाटका में एक पूर्व मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे बल्कि, सिर्फ कर्नाटक में नहीं, और इन्हें रिबेल स्टार कहा जाता था, रिबेल स्टार। मोहम्मद अजीज बहुत ही लोकप्रिय सिंगर, कई सारी भाषाओं में गाते थे, हिंदी, बंगाली, उड़िया, और बस इतना याद रखिए कि ये फेमस सिंगर थे। बर्नार्डो बर्टोलुची ये इटली के बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, इन्हें इनफैक्ट इन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता था, ऑस्कर अवार्ड को हम अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, और इनकी दो फिल्में बहुत खास हैं, एक तो है द लास्ट एम्परर और दूसरी है लास्ट टैंगो इन पेरिस। द लास्ट एम्परर और लास्ट टैंगो इन पेरिस दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, और ये इटली के थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, बेंगलोर में जन्म हुआ था इनका, हॉकी के खिलाड़ी थे, सिर्फ 32-33 साल के थे, पर इतनी कम उम्र में इनका निधन हो गया। एशिया कप में गोल्ड मेडल जीत चुके थे भारत की तरफ से हॉकी खिलाड़ी संदीप माइकल। तो याद रखिए क्वेश्चन जरूर आएगा, संदीप माइकल का संबंध कौन से खेल से था, हॉकी के खिलाड़ी थे और बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ था। उस्ताद इमरान खान बहुत ही बड़े संगीतकार, शास्त्रीय संगीतकार, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये सितार बजाते थे, इन्हें पद्मश्री वगैरह भी मिला हुआ था। अगर पूछेंगे कौन से घराने के थे, तो ये इटावा घराने के थे, इटावा घराना। फामियाद रियाज पाकिस्तान की काफ़ी मशहूर कवित्री थी, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, भारत में मेरठ में हुआ था। MI शाहनवाज का निधन हो गया, ये कौन से राज्य के थे, तो ये कोटायम से MP थे, और ये कांग्रेस के नेता थे, और केरला कांग्रेस के, और MP थे, तो MI शाहनवाज का निधन हो गया, ये केरल से थे। संत नारायण दास महाराज जो जयपुर के पास त्रिवेणी धाम है, ये वहां पे संत थे, संत नारायण दास महाराज, इन्हें पद्मश्री मिला था समाज सेवा के लिए 2018 में। बनमली महाराणा का निधन हो गया, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये तबला और ड्रम जैसा दिखने वाला वाद्य यंत्र, इसको बोलते हैं मर्दल, याद रखिए मर्दल, और ये उड़ीसी म्यूजिक जो है उसमें बजाते थे इसको, तो बस आपको याद रखना है मर्दल बजाते थे ये, और उड़ीसा के थे ये। मशहूर एड गुरु, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट बनाई है इन्होंने बड़ी बड़ी, और एक एजेंसी है लिंटास, वो भी इन्होंने शुरू की थी, पद्मश्री भी मिला था इन्हें, और याद रखिए जो फिल्म आई थी गांधी, ठीक है, ये फिल्म बनाई थी रिचर्ड एटनबरो ने, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का रोल प्ले किया था अलेक पद्मसी ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज SN फुकन इनका निधन हो गया, ये हिमाचल और उड़ीसा हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भी थे। स्टैनली ने स्पाइडरमैन, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, एक्समैन, आयरन मैन, थॉर जैसे कई सारे काल्पनिक पात्र बनाए, सुपर हीरो बनाए, अमेरिका के थे स्टैनली। मशहूर मराठी एक्टर ललन सारंग इनका निधन हो गया, मराठी एक्ट्रेस थी ये, और बस नाम याद रखिए ललन सारंग। भजन सिंगर विनोद अग्रवाल, भगवान कृष्ण के भजन गाते थे ये, और भगवान कृष्ण से प्यार था तो ये वृंदावन में ही सेटल हो गए थे, इनका भी निधन हो गया। वाइस एडमिरल MP अवती, तो आपको याद होगा कि आपने अगर
बॉर्डर फिल्म देखी हो, बॉर्डर फिल्म में सन्नी देओल ने जो रोल प्ले किया था वो था कुलदीप सिंह चांदपुरी का, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ये अलग है और वो अलग है। तो एमपी अवती जो है ये जब 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था तो इन्होंने आईएनएस कमोरता, जो हमारा जहाज था आईएनएस कमोरता, ये उसके कमांडिंग ऑफिसर थे और बहुत ज्यादा इन्होंने लीडरशिप दिखाई। पाकिस्तान में जो कराची का बंदरगाह था वो तो पूरा तबाह कर दिया था इन्होंने, तो ये याद रखिए इन्हें वीर चक्र भी मिला हुआ था। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कुलदीप सिंह चांदपुरी और एमपी अवती में। उसके बाद तोजाक शेंग जो है ये एक प्ले राइट थे, ये थी मतलब अमेरिका की अफ्रीकन अमेरिकन प्ले राइट थी और इनका असली नाम था पॉलेट लिंडा विलियम्स। पेनी मार्शल जो है ये डायरेक्टर थी फिल्मों की, इन्होंने फिल्म बनाई जैसे अ लीग ऑफ देयर ओन, इसके अलावा ये धारावाहिक भी बनाती थी। तुलसी गिरी नेपाल के दो बार प्रधानमंत्री रह चुके थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसी गिरी नेपाल के दो बार प्रधानमंत्री थे, एक तो सन 62 से 64 और फिर 75 से 77। मशहूर भजन गायक क्लासिकल सिंगर पंडित अरुण भादुरी का भी निधन हो गया और इन्हें बांगा विभूषण अवार्ड मिला था। पश्चिम बंगाल की सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है बांगा विभूषण पुरस्कार। मलयाली फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर तौपिल अजयन, इनका भी निधन हो गया, ये मलयाली फिल्मों के डायरेक्टर थे, ये याद रखिए। उसके बाद मुशीरुल हसन, ये प्रतिष्ठित इतिहासकार थे और इनकी एक वो याद रखनी है आपको नॉवल, उस नॉवल का नाम था इंडिया पार्टीशन, भारत का विभाजन, द अदर फेस ऑफ फ्रीडम, तो इन्हें पद्मश्री मिला हुआ था, ये थे इतिहासकार। मशहूर पत्रकार और प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसमें पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर थे जगदीश ठक्कर, इनका निधन हो गया। सी एन बालकृष्णन, ये भी कांग्रेस के लीडर थे केरल से और इनका निधन हो गया। अरुण कुमार शॉ, 7 बार नेशनल चैंपियन थे स्विमिंग में, ये इंपॉर्टेंट है, अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ था, इनका निधन हो गया। मोहम्मद असरुल हक, ये किशनगंज जो बिहार में है वहां पे लोकसभा एमपी थे ये और कांग्रेस पार्टी के थे ये सांसद, इनका निधन हो गया, मोहम्मद असरुल हक। मशहूर कृषि वैज्ञानिक जयरमन का निधन हो गया, ये बहुत बड़ा एक लॉस हमारे लिए था क्योंकि इन्होंने चावल की जो कई सारी नस्लें किस्में जो होती हैं चावल की वो डेवलप की थी, तो याद रखिए चावल की उसके लिए फेमस थे ये, अलग अलग बीजों के निर्माण के लिए जयरमन। ए मस्तानम्मा, ये सबसे ज्यादा उम्र की यूट्यूबर थी, इनका यूट्यूब चैनल था जहां पे ये खाना बनाना सिखाती थी और इनकी उम्र शायद 106-107 साल रही होगी, तो सबसे ज्यादा उम्र की ये वो थी यूट्यूबर, ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की थी। सो ये थे सबसे इंपॉर्टेंट ओबिचुरी पिछले 3 महीने के, अब आप एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जो है वो जा सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन अब आप टैकल कर सकते हैं। जाने से पहले आपको बता दूं हमारे पेड कोर्सेज भी आते हैं कुछ और इनमें पूरा कोर्स खत्म किया गया है वीडियोस के रूप में, हमारी कुछ सबसे उत्कृष्ट जो फैकल्टी हैं उन्होंने तैयार किए हैं। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyiq.com। जो कोर्स है वो एंड्रॉइड कोर्स है और पेनड्राइव कोर्स है, पेनड्राइव कोर्स के लिए आपको लैपटॉप चाहिएगा या डेस्कटॉप चाहिएगा, एंड्रॉइड कोर्स आपके मोबाइल फोन में SD कार्ड के थ्रू चल सकते हैं। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में।